हे गाइस और कमाल गबरे का स्वागत करते हैं भैया जी। हम बात करने वाला है वीवो के तरफ आने वाला भी वीवो V23 एंड V23 प्रो के ऊपर बात करेंगे। क्या भाई ये जो फ़ोन है ना एक बहुत ही कमाल के फ़ोन होने वाला है एंड ये एक ऐसा लौता फ़ोन होने जा रहा है इंडिया में जिसमें आपको बैक का जो कलर होने वाला है वो चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। जब इसका टेम्परेचर लो या हाई होंगे इसका ऑटोमेटिकली इसका जो बैक का कलर है वो चेंज होते रहेंगे। तो ऐसा एक फ़ोन निकल के आ रहा है वीवो की तरफ से वीवो S12 एंड वीवो S12 प्रो का ही रीब्रांडेड वर्जन आप बोल सकते हो, बट कुछ चेंजेस आपको इधर देखने के लिए मिलेंगे वो तो आपको साथ में बताएंगे। इसका ऑफिशियल लॉन्च डेट भी निकल के आ चुका है, इंडिया वाला लॉन्च डेट निकल के आ चुका है एंड ये कब तक आपको मिल सकता है एंड इसका फुल ऑफ स्पेसिफिकेशन बताएंगे जो चेंजेस के साथ आपको बताने वाला हो। और भाई इसका प्राइसिंग भी लीक होकर आ चुका है वो तो आपको साथ में बताएंगे जरूर। तो भाई लास्ट वीडियो को जरूर देखना अगर भाई इस फोन के लिए आप इंटरेस्टेड है, तो भाई लास्ट वीडियो को जरूर देखना। हो सकता है भाई के लिए एक लाइक करे तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो भाई ज्यादा बातें नहीं करेंगे शुरू करेंगे। सो गाइस सबसे पहले बात करेंगे वीवो V23 एंड V23 प्रो के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, बाद में इसका प्राइसिंग क्या होने वाला है इंडिया में वो आपको बताएंगे, डेफिनेटली बताएंगे क्या प्राइसिंग के साथ आने वाला है एंड ये कब तक इंडिया में लॉन्च होने वाला है, किधर से ये फोन आपको मिलेंगे, अगर सब कुछ जानना है तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखते रहिए। सो सबसे पहले बात करेंगे इस फोन की डिस्प्ले के बारे में। तो भाई इधर जो आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिलेंगे ना भाई 6.44 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले के साथ आते साथ में आपको 90 हर्ट्ज तक आपको रिफ्रेश रेट मिल जाएंगे, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट तो मिल ही जाएंगे, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है इधर। एंड जो वीवो V23 प्रो के होने वाला है वो भाई 6.56 इंच का फुल एचडी प्लस 3D कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला है जो एक एमोलेड डिस्प्ले है एंड डिस्प्ले भी आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेंगे, इन डिस्प्ले फिंगर भी आपको मिल जाएंगे। 3D कर्व डिस्प्ले के लिए भाई वीवो V23 प्रो का बहुत ही लुक आपको डिफरेंट देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत ही कमाल के लुक होने वाला है। ठीक है ओवरऑल इसका जो डिस्प्ले होने वाला है ना बहुत ही कमाल के होने वाला है, बहुत ही अच्छे आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएंगे इस बार वीवो V23 एंड वीवो V23 प्रो के ऊपर। तो प्रो का ही ज्यादा डिस्प्ले अच्छे होने वाला है क्योंकि 3D कर्व डिस्प्ले के साथ ये आने वाला है। अगर हम बात करेंगे वीवो V23 एंड V23 प्रो के परफॉर्मेंस के बारे में, तो भाई इधर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 का प्रोसेसर मिलेंगे वीवो V23 में एंड वीवो V23 प्रो में आपको मिलेंगे डायमेंसिटी 1200 सीरीज की प्रोसेसर जो बहुत ही कमाल के, दोनों ही प्रोसेसर बहुत ही कमाल के है, बहुत ही अच्छे से आप किसी भी गेम्स को खेल सकते हो। मतलब अगर आप BGMI ज्यादा खेलते हो तो भाई मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 जो प्रोसेसर है ना भाई बहुत ही आराम से आप इस पे 60 FPS पे आराम से BGMI को एंजॉय कर सकते हो, खेल सकते हो, कुछ भी लैग्स वगैरह आपको उतना ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेंगे। एंड वही डायमेंसिटी 1200 सीरीज की जो प्रोसेसर है ना भाई वो मेरे पास भी है, Realme X7 Max मेरे पास भी है, उसमें अभी भी डायमेंसिटी 1200 सीरीज प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मुझे पता है भाई कितना परफॉर्मेंस निकल के दे सकता है, इसमें आपको 90 FPS तक आप BGMI को एंजॉय कर सकते हो। एंड दिखा जाएगा भाई क्या वीवो इसको अनलॉक करके देता है या लॉक करके देता है, अगर अनलॉक करके देंगे तो आप 90 FPS पे BGMI को एंजॉय कर सकते हो। तो भाई ये तो था परफॉर्मेंस, आपको बहुत ही कमाल के परफॉर्मेंस मिलेंगे, परफॉर्मेंस में कोई भी शिकायत आपको नहीं आने वाला है। एंड बात करेंगे इसकी कैमरा, तो भाई वीवो V23 में आपको मिलेंगे ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 64 MP का मेन, 8 का अल्ट्रा, 2 का मैक्रो तो कोई काम का नहीं है, 64 MP एंड 8 का ही आपको ज्यादातर यूज में आने वाला है। एंड V23 प्रो में आपको मिलेंगे 108 MP का कैमरा, साथ में 8 का अल्ट्रा, 2 का मैक्रो मिल जाएंगे। एंड जो फ्रंट कैमरा होने वाला है वो दोनों ही फोन में आपको सेम टू सेम देखने के लिए मिल जाएंगे, 50 MP का मेन, 8 का अल्ट्रा वाइड, ठीक है दोनों ही आपको नॉच के साथ देखने के लिए मिलेंगे। तो भाई नॉच वाला इस बार आपको सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है जो भाई एप्पल में भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई वीवो वाले भी सोच रहे हैं भाई हम क्यों पीछे रहते, हम भी इधर भाई नॉच लेके आते हैं विद डुअल सेल्फी कैमरे के साथ एंड इस बार सेल्फी कैमरा बहुत ही कमाल के होने वाला है। सो गाइस इसका कैमरा तो बहुत ही कमाल के होने वाला है। एंड बात करेंगे इसकी बैटरी के बारे में, पावर के बारे में, तो भाई वीवो V23 में आपको 4200 mAh की बैटरी मिलेंगे, वीवो V23 प्रो में आपको मिलेंगे 4300 mAh की बैटरी, तो 100 mAh की ज्यादा ही आपको बैटरी मिल जाएंगे प्रो में। एंड 44 W का फास्ट चार्जिंग आपको दोनों ही फोन में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं, बहुत ही जल्दी आपके बैटरी को यह चार्ज करने वाला है। एंड टाइप का पोर्ट मिलेंगे एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स ही मिलेंगे, ऐसे ही कुछ निकल के आ रहे हैं ऑफिशियली एंड बहुत ही कमाल के होने वाला एंड्रॉइड 12। मतलब एक्चुअली ये जो फोन है ना वही वीवो V23 जो सीरीज होने वाला है वो वही वीवो S12 एंड S12 प्रो का ही रीब्रांडेड वर्जन बोल सकते हो, कुछ चेंजेस इधर किया गया है उसी को ही आपको रीब्रांड देखने के लिए मिलेंगे। वीवो S12 एंड S12 प्रो में आपको जैसे एंड्रॉइड 11 देखने के लिए मिल जाएंगे, बट वीवो V23 एंड V23 प्रो में
आपको एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेंगे। तो ऐसे ही कुछ निकल के आ रहा इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ आगे शेयर किया है। एंड ये ओरिजिन ओएस पे चलता है, यूएफएस 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ आने वाला है, LPDDR4X वाला रैम इधर यूज किया जा रहा है, तो आपको ठीक ठाक स्पीड भी मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। तो ये था सारे के सारे स्पेक्स एंड बात करेंगे इस फोन की प्राइसिंग के बारे में। तो वही बात करेंगे सबसे पहले इसका प्राइसिंग जो भी वो भी 23 के प्राइसिंग होने वाला है। तो 8GB 256GB वाला इसका लोएस्ट वेरिएंट होने वाला है, जिसका इंडियन प्राइसिंग रहने वाला है 26 to 29,000 के अराउंड। और वही वीवो V23 Pro का जो प्राइसिंग होने वाला है 8GB 256GB वाला वेरिएंट 37 to 40,000 के बीच में इसका प्राइसिंग रहने वाला है। मुझे भाई वीवो V23 Pro का प्राइसिंग थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इसका प्राइसिंग अगर 35 तक होता तो बहुत ही कमाल के हो सकते थे, बहुत ही कमाल के हो सकते थे। बट इधर कुछ ये लीक्स वगैरह आ रहे हैं, बट ये कंफर्म प्राइसिंग नहीं है। तो भाई देखा जाएगा, आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन आएंगे प्राइस के रिगार्डिंग आपको जरूर से बताएंगे, अपडेट कर देंगे। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड बात करेंगे इस फोन की ऑफिशियल लॉन्च डेट, तो ये 5 जनवरी को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। और ये फोन आपको देखने के लिए मिलेंगे फ्लिपकार्ट के ऊपर, जो भाई फ्लिपकार्ट के ऊपर इसको सेल किया जाएगा ऑफिशियली। अगर भाई इस फोन को आप फर्स्ट सेल पे लेते हो तो आपको कुछ डिस्काउंट भी देखने के लिए मिल सकता है वीवो की तरफ से। तो भाई देखा जाएगा वीवो क्या करता है, डिस्काउंट रखता है या रिमूव करता है, मतलब नहीं रखता है, वो तो भाई बाद में ही पता चलेगा। ऐसे वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपको बहुत सारे अपडेट मिलने वाला है इसी फोन की रिगार्डिंग। तो भाई वीडियो इतना ही था, कैसा लगा फोन, कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। ऐसे वीडियोस आपको आगे भी मेरे चैनल पे मिल रहेगा, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना एंड वीडियो अच्छी लगे जरूर से एक लाइक कर देना। तो भाई चलते मिलते किसी नेक्स्ट और कमाल के वीडियो के लिए, बाय बाय।